सबको आने वाले क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई है, और क्योंकि ये 2020 उतना अच्छा नहीं गया हमारा, तो हम होप करते हैं, हम सभी होप करते हैं 2021 जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। तो उसके लिए, वो ईयर स्टार्ट के लिए एक सेलिब्रेशन तो बनता है। आज मेरे किचन में हम बनाएंगे चॉकलेट केक, जो सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा हिस्सा। तो ये जो हम बना रहे हैं केक, वो बनेगा इसमें। यस, ये बहुत पुराना वाला प्रेशर कुकर है, बट केक बनाने के लिए हमें पुराना वाला प्रेशर कुकर ही चाहिए। तो इसमें मैंने लिया हुआ है सॉल्ट, और ये साइड में आप देख रहे हैं मार्बल के पीसेस हैं, उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड लगाया हुआ है। तो ये प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया, आपने मार्क एक चीज़ किया होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने गैसकेट निकाल दिया है और वेसल निकाल दिया है। नीचे गैस जल रहा है और ये प्री हीट होगा 10 मिनट तक। तो ये मैंने एक बाउल ले लिया है, तो इसमें जाएगा केक का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेट, दूसरा होता है ड्राई। तो पहले हम लोग यहाँ पे वेट इंग्रेडिएंट, ये सारा का सारा इंग्रेडिएंट जो मैं डाल रहा हूँ रूम टेम्परेचर पर है, और ये बटर है करीब 3/4 कप, 3/4 कप में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल जाएगा। ऑयल क्यों, बटर क्यों, क्योंकि ऑयल जो सॉफ्टनेस देने के लिए ऑयल काम आता है, और बटर जो होता है वो एक रिचनेस देता है, बढ़िया सा रिचनेस देता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक ड्राई इंग्रेडिएंट जो है पाउडर चीनी या फिर आइसिंग शुगर, ये 1 कप है आइसिंग शुगर। इसको कर लेना है क्रीम। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक वीटर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो विस्क से भी कर सकते हैं, जो बलून विस्क होता है उससे भी कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा फ्लफी हो गया है, क्योंकि इसमें एरिएशन हो गया, जो एरिएशन हमने कराया अभी ये बीट करके, इसको ये एरिएट हो गया। अभी इसमें जाएगा एक एक करके अंडा, 1 egg at a time, ज़्यादा एक साथ मत डालिए। एक अंडा गया, उसके बाद इसको थोड़ा बीट करेंगे, फिर एक और अंडा डालेंगे। दूसरा अंडा डाल दिया मैंने, एक बार अच्छे से अंडा इनकॉर्पोरेट हो गया। अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1 tablespoon, इसको भी ये हमारा वेट इंग्रेडिएंट का पार्ट रेडी। अब इसमें जाएगा ड्राई इंग्रेडिएंट, ड्राई इंग्रेडिएंट मतलब जितने भी सूखे हैं, मतलब ये है 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर मतलब मैदा, 1/2 कप कोको पाउडर, इसमें जाएगा 1 teaspoon आपका बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट में डाल रहा हूँ क्योंकि सॉल्ट कोको को कॉम्प्लीमेंट करेगा, और इसको इसके ऊपर छन्नी से निकाल लेना है। छन्नी क्यों, इसमें जितने भी, एक तो इसमें एरिएशन हो जाता है और जितने भी ऐसे लम्स हैं वो निकल जाते हैं। इसको देना है एक अच्छा सा मिक्स, बट अभी बीटर का यूज नहीं करना, अभी इसको ऐसे मिक्स करना है, क्योंकि जो एरिएशन हमने क्रिएट करा है उसको हमको लूज नहीं करवाना है। अब इसमें जाएगा दूध, करीब मैंने 1/4 कप डाल लिया है, और इसको एक अच्छी कंसिस्टेंसी दे देगा दूध। ये जो बैटर है प्रॉपर रेडी है, इसको कट एंड फोल्ड करके मैंने
प्रॉपरली मिक्स कर लिया है, इसको अभी डालेंगे मोल्ड पे। तो इस केक के बैटर को हम लोग इस मोल्ड पे डाल लेंगे। ये मोल्ड मैंने पहले से लाइन करके रखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि बटर पेपर दिख रहा है उसको मैंने पहले से लाइन करके रखा हुआ है। ज़्यादा नहीं भरना, जितना हो गया अभी राइट अमाउंट है, इससे ज़्यादा नहीं भरना है। इसको कर लेना है डैप, जहां पे एयर बबल्स रह गया हो वो इस डैपिंग से ठीक हो जाएगा। अब इसको केयरफुली निकाल लेना है। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है तो देख के बी केयरफुल, नीचे फ्लेम ऑन है। तो ये प्री हीटेड प्रेशर कुकर के अंदर हमारा जाएगा केक। इसको मिडल में कर दीजिए, मेटल में करके लेट ऑन, और याद रहे ना विसल रहेगा और ना गैस्केट रहेगा। ये अभी 40 मिनट्स के करीब, 38 से 40 मिनट्स के करीब में हो जाएगा लो फ्लेम। ऑलमोस्ट 42 मिनट्स के बाद इसको खोलने की बारी आ गई फाइनली। लवली, द केक इज एब्सोल्युटली लवली। केक एकदम फुल के रेडी, प्रॉपरली सॉफ्ट एंड beautiful. अब इसको लेते हैं निकाल, जो भी है आपका सेलिब्रेशन उसमें ये केक को शामिल करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करें। एक हैप्पी नोट पे, एक स्वीट नोट पे ये केक घर पे बनाइए और मुझे शेयर कीजिए अपना रिव्यू इस कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, मेरी क्रिसमस।